guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों की जिंदगी? तो बच्चों, हम finally एक और नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर NCERT CBSE 9th स्टैंडर्ड एज वेल. CBSE 10 के लिए ऑलरेडी हो चुका है, ICSE के लिए हम पूरा प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन CBSE 9 के लिए भी अभी हम ये ला रहे हैं, which is about the NCERT solutions. Now, मैं स्टार्ट करने से पहले, I would just like to tell all of you guys what is the agenda behind this, series, initiative. It's very simple. आई थिंक हमने इतने सारे सेशंस कर लिए, इतने टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ सीरीज कर लिए, मतलब मोर देन एनी अदर चैनल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ 9th एंड 10th कैटेगरी, है ना. इस कैटेगरी में कोई भी सीरीज ले लो, उमंग सीरीज हम लाए थे, मेंटी क्वेज, कमिंग फाइट फ्रॉम आवर ओन, क्या कहे भाई, वन शॉट सीरीज, रिविजन, क्रैश कोर्स, माइंड मैप्स, एनिमेटेड सीरीज, a lot of series which we have brought up here to into this platform because of you, because of your help and everything. You guys gave us the ideas, we got some ideas from ourselves and everything. So we're really, really glad that we almost covered the holistic approach of all of you guys. मतलब हर एक तरीके से, जिस तरीके से भी आपको नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमने कोशिश की आपको प्रोवाइड करने की. बस ये एक चीज बच गया था NCERT solutions का, एक छोटा सा चीज बच गया था. The major reason why this series is up there right now because कि हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं स्कूल में हो या तो व्हाट टू से फाइनल एग्जामिनेशन हो, उसमें से मेजरली क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन से, है ना. एनसीईआरटी आपके चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस है और चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो हमने वो एक एस्पेक्ट बहुत सारे सेशंस में हमारे उमंग सीरीज में बहुत सारे जगहों पे हमने कवर अप किया था जरूर, बट हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को पेज वाइज मार्क वाइज हमने नहीं बताया था, है ना. तो वो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के थ्रू करना चाहते हैं कि आपकी पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाए, सो दैट यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन टू स्कोर मार्क्स एज वेल, एंड ऑब्वियसली यू हैव गेन नॉलेज थ्रू ऑल ओवर अदर सीरीज एंड थ्रू दिस सीरीज एज वेल, है ना बच्चों. So yeah, so I really hope that you guys are going to welcome this series for CBSE 9 as you welcome CBSE 10th as well. Okay? So if in case you love this series, do not forget to hit the like button and do not forget to subscribe the channel if in case you haven't. Okay? बस आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि आज हम कौन सा पर्टिकुलर पेज नंबर या तो सॉल्यूशंस को हैंडल करने वाले हैं. हमारा जो पहला चैप्टर होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर मोशन. ठीक है, स्टार्टिंग विद चैप्टर मोशन, और क्योंकि वही पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का. इन द चैप्टर मोशन पेज नंबर 100 में एक छोटा सा इंटेक्स क्वेश्चंस का बॉक्स है जिसमें है तीन क्वेश्चंस. वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम देयर. ठीक है, सो दिस इज इंटेक्स बॉक्स बॉक्स नंबर 1. ऑल द थ्री क्वेश्चंस इन दैट बॉक्स टुडे वी आर गोना कवर इट अप. ठीक है, सो गेट रेडी पीपल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एंड ऑल्सो जिन बच्चों को इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 का प्लेलिस्ट मोशन के लिए रेडी है. मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेशंस in detail about distance displacement, average speed, average velocity, acceleration, distance and velocity, time graph, graphical derivations of equation of motion, graph based numericals, doubt and mentee quiz, pura ka pura covered hai, including your doubts and the quiz. Do not forget to watch them if in case you haven't watched it yet. Agar already dekha hua to exam ke dauran usko dobara dekh lena. 2020 ka playlist khatam ho jaye, agar chahe time bach jaye aapko 2019 ka bhi playlist dekh lena. Pura kya hua, humne sprintex bhi kiya hai isme, where most of the most important questions have been covered already in the Sprintex series. Don't forget it, just telling it, And also, if in case you want to connect with us in long-term perspective, where aapko hamare sessions mein, matlab long-term basis mein judna hai, jahan pe hum ye har cheez karate rehte hain and keep motivating you, keep giving you tests and assignments, keep providing you the best of the education possible, then definitely people, this is the link where you can go through it. That is vdnt.in/ytpro and the code is AKPRO. If in case you are thinking of getting it, you can always put down the coupon code AKPRO and you can join us for the long-term course. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को. मैं से पहले सेशन में इतना वक्त लेना फॉर द इंट्रोडक्शन एंड ऑल, क्योंकि एनसीईआरटी पहली बार आ रही है. सेकंड सेशन से हम धनाधन धनाधन हो जाएंगे. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 100 इंटेक्स क्वेश्चन बॉक्स. एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल. ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये पूछा गया है कि क्या भाई डिस्टेंस हम मूव कर दें, कोई एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव कर लेता है, कोई एक डिस्टेंस मूव कर लेता है, 10 मीटर मूव कर लिया, 15 मीटर मूव कर लिया, 20 मीटर मूव कर दिया, बट कैन वी से इन दिस सिनेरियो डिस्प्लेसमेंट कुड बी जीरो एवर? द आंसर इज प्रीटी सिंपल टू इट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट मी टेक, हु शुड आई टेक? आई टेक माइसेल्फ एज एन एग्जांपल. पक्का? ठीक है, सो दिस इज योर अभिषेक सर. ये है भगवान, पेन नहीं यूज किया. यस, दिस इज योर अभिषेक सर. ठीक है, स्माइलिंग. अब अभिषेक सर को मुझे भी चाहिए तो मुझे बना देते हैं, मुझे बना दे. ये ठीक है. मान लेते हैं अभिषेक सर गए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक और ये इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 10 मीटर का. कितना ट्रैवल कर लिया इन्होंने? 10 मीटर का.
ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई और डिस्टेंस कितना हुआ, सिंस अभिषेक सर इज ट्रैवलिंग यू नो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उन्होंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उनका इक्वल होता है ना, बिकॉज वॉट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन विच यू आर ट्रैवलिंग, और इट कुड बी द और इट कुड बी द डिफरेंस इन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन. तो भाई फाइनल पोजीशन आपका ये है, इनिशियल पोजीशन आपका ये है, तो डिस्टेंस क्या होगी, बी माइनस ए इज 10 मीटर, यही आएगा ना, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने, वो भी 10 मीटर है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हियर, करेक्ट, इक्वल हो गया. अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार. मान लेते हैं अभिषेक सर यहां बी पे पहुंच के बोर हो गए, अब बोलते चलो यार वापस घर चलते हैं, तो क्या हो गया, अभिषेक सर बी से घूम के वापस ए में आ गए, ठीक है, वापस ए में आ गए, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे हो गया 20 मीटर का, क्यों भाई, यहां से यहां तक 10 मीटर और यहां से यहां तक 10 मीटर, तो 20 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस. यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल डेस्टिनेशन एंड द इनिशियल डेस्टिनेशन, है ना, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट. तो आप मुझे बताओ, जब मैं ए से निकलकर ए पे आ गया, तो ए और ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, घंटा हुआ, कुछ कुछ नहीं हुआ ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ओनली, बिकॉज भाई मैं वहीं पे हूं. इट्स लाइक इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्या बोलोगे आप लोग, जीरो बोलोगे ना, सिंपल आंसर है. चलो वो भी छोड़ देते हैं, मैथमेटिकली सोचते हैं, मैथमेटिकली सोचते हैं, ठीक है, मेरा इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट जीरो, जीरो से मैंने स्टार्ट किया, घूम के वहीं पे आ गया, तो जीरो माइनस जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है. सो डिस्प्लेसमेंट कुड बी डेफिनेटली जीरो इफ द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट ऑफ द पर्सन आफ्टर मूविंग इज जीरो, ठीक है. सो वो जो मैंने आपको समझाया वो डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको, ये पूरा पूरा सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के शायद 24 आवर्स के बीच में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना चाहिए इसका पूरा पीडीएफ, तो डाउनलोड कर लेना. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, ये है आपके इस पूरे चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल भाई, पहला न्यूमेरिकल है पूरे चैप्टर का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, देखते हैं ध्यान से. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर्स इन 40 सेकंड. ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपका एक फार्मर है, अभी फार्मर कौन है, फार्मर भी अभिषेक सर ही है भाई, अरे फार्मर भी अभिषेक सर ही है, देखो स्माइल कर रहे हैं. अब मुझे बढ़िया बढ़ा देते हैं भाई, फार्मर का रुतबा ज्यादा होता है ना, इज्जत ज्यादा होती है फार्मर्स की, है कि नहीं, तो भाई मुझे बढ़ा दिया हमने, करेक्ट. तो अब यहां से ये पूरा जो स्क्वायर फील्ड कह रहे हैं कि ये 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है, साइड्स इसके हैं 10 मीटर के, स्क्वायर फील्ड का साइड्स है 10 मीटर के. अब ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा एक चक्का लगा देते हैं अभिषेक सर, यानी कि पूरा का पूरा 40 मीटर कवर अप कर लेते हैं अभिषेक सर, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, 10 सेकंड में 10 मीटर, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, बहुत स्लो हो गया यार, भागना पड़ेगा, ठीक है. एनीवेज आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट, है ना. तो एक चक्कर कट जाता है, एक चक्कर कट जाता है 10 सेकंड में, सॉरी 40 सेकंड में, एक पूरा चक्कर कट जाता है 40 सेकंड में, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, 40 मीटर, कैसे, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, 40 मीटर मैंने कवर कर दिया 40 सेकंड, ठीक है, गॉट द आइडिया. अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंसिंग, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स. अगर मैंने टोटल 2 मिनट और 20 सेकंड का चक्कर लगाया है मेरा पूरा पूरे फील्ड का, तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं ये देख लेते हैं. 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 140 सेकंड होते हैं 2 मिनट 20 सेकंड में. अगर मैं 40 सेकंड में एक राउंड मारता हूं, तो 140 सेकंड में कितने राउंड मारूंगा, डिवाइड कर दो 140 को 40 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 0-0 कट गया, 4 1 जा 4 3 जा 3.5, है ना. तो मैं 140 सेकंड में 3.5 राउंड्स मारूंगा इस पूरे पूरे यू नो फील्ड का, ठीक है. चलो मारते हैं, पहला राउंड मार दिया, दूसरा राउंड मार दिया, तीसरा राउंड खत्म, अब मारेंगे हम चौथा राउंड, चौथा नहीं आधा राउंड मारेंगे, 3 राउंड हो गया अभी, आधा राउंड बाकी है. आधा राउंड मतलब ये और ये, ये नहीं मार रहा मैं, मेरा आधा राउंड 3.5 राउंड्स ये है. तो अगर मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है, और अगर मैंने मान लिया ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि मैं मार दूंगा एक बहुत ही सिंपल सा लाइन यहां पे, भाई ये है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो इस डायग्राम को अगर मैं अलग से बनाऊं, इसको अगर मैं अलग से थोड़ा और प्यार से बनाऊं, तो भाई ये है मेरा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट,
ये तो बन गया ट्राइंगल है क्योंकि बाकी तुमने कवर ही नहीं किया ना, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सिंपल एज दैट, करेक्ट। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मेरे पास ये 10 मीटर है और मेरे पास ये भी 10 मीटर है, कितना सिंपल हो गया। इसको करने के हैं दो तरीके, सो कितने तरीके इसको करने के, हैं दो तरीके, पहला तरीका ईजी है, दूसरा तरीका ईजियर है, दोनों तरीके में आपको बता दो, दोनों तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये स्क्वायर फील्ड है, ये देख कर ही लग रहा है कि भाई ये एक ट्राइंगल बना रहा है, ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, और कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर वैल्यू 10-10 मीटर है, हाइपोटेनस निकालना है। तो कौन आएंगे अभी सामने, आपके सामने आएंगे पाइथागोरस जी, ये पाइथागोरस जी सामने आते हुए आपके, क्या बात है। तो बच्चों अभी ये पाइथागोरस जी आपके सामने आ रहे हैं, देखो कि क्या होने वाला है भाई, कुछ तो होगा, पाइथागोरस जी आ रहे हैं ना, कुछ तो आंसर आ जाएगा, देख लो अभी आगे। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पता है हमें बात है कि नहीं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना हो गया परपेंडिकुलर, इज 10 मीटर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस बेस का हो गया 10 का भी स्क्वायर हो गया 100, सही। अब कर दो इसको, अब इसको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 100 को कॉमन ले लो, 100 को कॉमन ले लो, 100 कर दो तो 200 हो जाएगा, सिंपल बात है, या तो 100 कॉमन ले लेने की बात है। अब कर दो रूट ऑफ 200, रूट ऑफ 200 कितना होता है, रूट ऑफ 200 होता है सिंपल सी बात 10√2, सही, एच हो गया 10√2, हाइपोटेनस हो गया आपका 10√2, यानी कि ये वैल्यू आपको आ गई 10√2। ये आपका एक मेथड हुआ, ये आपका एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड इससे भी ज्यादा इजी है, दूसरा मेथड जो है वो इससे भी ज्यादा इजी है, कैसे, जिन बच्चों को पता है, समझ में आ चुका है, ये जो लाइन मैंने मारी डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट ऑल्सो लुक्स लाइक द डायगनल ऑफ द स्क्वायर, दैट ऑल्सो लुक्स लाइक द डायगनल ऑफ द स्क्वायर, है कि नहीं। ये मेरा स्क्वायर है तो ये मेरा डायगनल हो गया ना, तो जिन बच्चों को डायगनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बच्चों डायगनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला, डायगनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a√2, where a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज साइड ऑफ द स्क्वायर, 10√2, खत्म। वो दो लाइन का आंसर है, ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम है, अब आपकी मर्जी है कौन सा अप्लाई करना है। अगर ये सवाल आ जाता आपको एक मार्क का या तो दो मार्क का, आई परफेक्टली थिंक दिस इज ओके। अगर ये सवाल आपको आ रहा है तीन या तीन मार्क्स का आ रहा है, तो फिर चलो पाइथागोरस कर लेना, लेकिन कोई भी आपका मार्क्स इसके लिए नहीं काट सकता है। a√2 इज द डायगनल ऑफ द स्क्वायर एंड 10√2 इज द करेक्ट आंसर, गुड जॉब, एंजॉय, ठीक है। दो मेथड मैंने बता दिया आपको, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ। मैंने जो सॉल्व किया मैंने दोबारा यहां पे सेव कर दिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन का, उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अगर एंजॉय कर रहे हो तो हिट दी लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दी चैनल राइट अवे। व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, वो तो भाई ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया, इट कैन बी जीरो बबुआ, इट कैन बी जीरो, ओके, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहला आपका फॉल्स हो गया, पहले क्वेश्चन में प्रूव कर दिया हमने, है ना। अब दूसरी बात, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये तो बच्चों मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये पॉइंट बी है, मान लेते हैं मैं ऐसा गया, डिस्प्लेसमेंट तब भी यही है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तब भी यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लेते हैं मैं ऐसा गया तब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई और पाथ लेते हैं, यहां पॉइंट ए है, मैं ऐसे 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 करके गया बी तक, तो ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो तब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, देयर इज अ रीजन व्हाई वी कॉल डिस्प्लेसमेंट एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, मैं हम क्यों कहते हैं इसे, हम इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे शॉर्टेस्ट कोई और नहीं हो सकता है भाई, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है ना। जो हम कहते हैं बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्ड होटल इन द वर्ल्ड, उससे कोई टॉल है नहीं, इसलिए उसको टॉलेस्ट कहते हैं ना, समझ में आई ना बात, सिंपल सी बात है यार। तो यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे छोटा कैसे हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। तो भाई इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, नेवर, इट इज नेवर, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके ऊपर ही होंगे सब, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, दे कुड बी इक्वल, वो हमने देख लिया ना, जब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है इंसान, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो, ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखना, जब भी ये कंफ्यूजन है बुर्ज खलीफा के बारे में सोचना, भाई वो टॉलेस्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, भाई ये शॉर्टेस्ट है, इसके नीचे कोई नहीं हो सकता, सब इससे ऊपर ही होंगे, उसके इक्वल बन सकती है, हाँ बाद में जाके भाई इक्वल वो बड़ा बन जाएगा, बुर्ज खलीफा से कोई भी होटल बड़ा बना देंगे अलग बात है वो, लेकिन इस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई, और यहाँ पे मैंने डिटेल में ऑलरेडी लिख दिया है,
दैट्स इट पीपल. नेक्स्ट सेशन में हम ये पेज नंबर 100 पे टारगेट किया था. नेक्स्ट इंटेक्स बॉक्स जो है वो 102 पेज पे है और उसमें है 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में एनसीईआरटी सॉल्यूशन के एपिसोड 2 फॉर द मोशन चैप्टर. आई रियली होप ऑल ऑफ यू गाइस एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन एज मच एज आई डिड. बहुत मजा आया एनसीईआरटी पढ़ाकर भी. तो बाय पीपल, टेक केयर. इफ इन केस यू एंजॉयड इट, स्टार्ट शेयरिंग दिस वीडियो, लेट एवरीवन नो ऑफ द 9th ग्रेड दैट वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज एज वेल. Keep supporting, keep loving people. Until we meet next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong, bro. Bye bye, take care.